मैं भी एक मार्क जकरबर्ग का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो जो क्या है नो हरारी क्या, एक बहुत मशहूर नेवलिस्ट है, उन्होंने उससे उनसे इंटरव्यू लिया और उसने पूछा कि आप ये फेसबुक का मकसद क्या है, क्या फेसबुक का मकसद है कि दो अजनबी लोग आपस में एक दूसरे से मिलें फेसबुक पर और उसके बाद दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाए और फिर दोनों बाहर जाकर के फुटबॉल खेलें या कोई गेम खेलें, वक्त गुजारे, ये फेसबुक का मकसद है, या फेसबुक का मकसद ये है कि दो लोग जो आपस में दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम फेसबुक पर सर्फ करें, ये उसका सवाल था। और सही बात यही है, फेसबुक ये नहीं चाहता कि आप बाहरी जिंदगी में जाकर के एक दूसरे के साथ वक्त गुजारे, फेसबुक ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक आप उसके ऐप पर मौजूद रहें। तो ये आप सिर्फ फेसबुक नहीं, जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, वो डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं कि आपके जहन को कैद करके आपको बांध दें, एक तरह की जेल है जिसमें आपको कैद कर दिया जाता है, एक तरह का जाल है जिसमें आपको फंसाया जाता है और आप जब उसमें फंस जाते हैं तो बहुत मुश्किल से बाहर आ पाते हैं। यानी आदमी सोने लगता है तो आदमी को लगता है चलो मेरे पास 5 मिनट है, नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर के लिए मैं रील्स देख लेता हूँ, और वो रील्स देखना शुरू करता है तो वो 2 घंटे उसके कहाँ बीत जाते हैं उसको पता नहीं चलता है। तो ये एप्स डिजाइन इसी तरह से किए गए हैं कि हमारा बहुत ज्यादा वक्त खा लेते हैं, और ये वक्त जो हमको अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए था, अपनी इबादतों में देना चाहिए था, अपनी जात के एहतसाब में देना चाहिए था, दावत में देना चाहिए था, वो सब खा जा रहे हैं। यानी उसके नुकसान इतने वसीह हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं कि इबादत पे सोशल मीडिया के क्या नुकसान हो रहे हैं, इल्मी जो एक मिजाज होना चाहिए तालिबे इल्म का, सोशल मीडिया उसको कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, रिश्तों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, खुद हमारी जो एक पीस ऑफ माइंड है, हमारा जहनी सुकून है, वो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है सोशल मीडिया, हमारा वक्त किस तरह से कंज्यूम कर रहा है, हमारी जो प्राइवेसी है उसको कैसे उसमें खलल डाल रहा है सोशल मीडिया। और ये कि सोशल मीडिया ने हमारे दीनी मामलात में जो एक पूरा एक रोएबजा का तबका था, किस तरह से एक जो है रोएबजा का तबका पैदा हो गया सोशल मीडिया की, जैसे जो बगैर इल्म के बातें कर रहा है, तो दीन पे हमारी दावत पर हमारी नफ्सियात पर हमारे रिश्तों पर सोशल मीडिया के असरात क्या क्या है, बहुत वसी पहलू है इसके, कोई बहुत सारे मुस्बत पहलू भी हैं, बहुत सारे मनफी पहलू भी हैं, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। मेरे ख्याल से नुकसान पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्योंकि फायदे नॉर्मली इंसान लोगों के जहन में सामने होते हैं, आपको नुकसान पता ही है, हम इतना ज्यादा गौर नहीं कर रहे होते, तो उस पर पता नहीं। हाँ